प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए हम लोग इंग्लिश का पेपर लेकर के आ चुके हैं और अभी के सभी वीडियो में हम लोग जो है ना इंग्लिश का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर के आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का हम बता देते हैं। अगर नहीं देखे तो चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए, या फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर कैसे डाउनलोड करना है वो सिखा दूंगा, आप डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो विषय कोड देख सकते हो, 113 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ते, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, और दूसरा का आपका हो जाएगा जो है ना, दूसरा का हो जाएगा चाइनीज साइड, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे फटाफट से हम लोग सब्जेक्टिव की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, इसमें देखिएगा 1 से लेकर के टोटल 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन बोला गया, हाउ आर जो है ना द सो थिंकिंग स्लो थिंकिंग हैंडीकैपेटेड टूडे। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर आस्क मिस्टर ग्रीनी टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, हाउ डिड गिल्लू सस्टेंस वुड्स। और क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वाज इंक्रीटेडेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 4 नंबर है, व्हाई इज राधा क्राइंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द रिच मैन डू टू सेटिस्फाई हिज जो है ना अम्बिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है, ये बोला व्हाट मेक 1000 मेमोरीज इन हार्ट्स, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है आप लोगों से, हाउ इज जो ना चैलेंजिंग द माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई वाज द वैंकर फ्राइड ऑफ हॉन जो ना हॉनोरिंग द वीट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है, द वर्क जो ना द वर्क स्टाइल ऑफ मिस्टर ग्रेसल वाज यूनिक एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये टोटल 2 मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन था इसका उत्तर है, और बात करते हैं लॉन्ग में तो इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, 5 मार्क्स वाला है तो टोटल 15 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, यू आर सुमन राइट ए स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन टू बी डिलीवर्ड ऑन वर्ल्ड एजुकेशन डे अबाउट जो है ना 60 to 70 words। 12 नंबर है, यू हैव विजिटेड द म्यूजियम इन पटना, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 60 to 70 words। क्वेश्चन नंबर 13 है, यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल, राइट ए लेटर टू वी टू द जो ना हेड मिनिस्टर्स फॉर परचेस ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 नंबर है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, दूसरा है लिव एंड लेट लिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है एफ जो ना विलेज फेयर, और चौथा है इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, अगला है हेल्दी डाइट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, और आगे 15 नंबर है, एज द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल राइट ए नोटिस ऑन द स्कूल स्कूल। उसके बाद देखिए नोटिस वर्ड इन अबाउट 50 to 60 words इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द अपकमिंग इंटर, उसके बाद इंटर स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट। तो ये आपका क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो वीडियो में ही आंसर बताऊँगा, और इसके बाद जो है ना मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है। तो चलो पहला आंसर देख लो 1-2 का, फिर बताऊँगा। वीडियो को पहला क्वेश्चन का हुआ, राइटर और द पर्सन हाउ क्लाउड नोट कॉप ऑफ देयर थिंकिंग पावर विथ द स्पीड ऑफ जो ना टू डेज लाइफ आर स्लो थिंकर्स, दे आर हैंडीकैपेटेड बिकॉज मैनी टाइम्स दे फाइल जो ना फाइंड डिफिकल्ट इन अर्निंग ए लिविंग, द स्लो थिंकर्स आर नॉट अवेलेबल टू कॉप अप विल वेल विथ द जो ना डिमांड ऑफ पेरेंट्स और लाइफ। तो ये आपका पहला का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर का, तो 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, द नरेटर आस्क मिस्टर ग्रीनी टू सेव पेपर्स एंड एल्युमिनियम कैन सो डैट दे मे बी जो ना रिमेड फॉर देयर यूज इन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देखिए, गिल्लू सस्टेंड वुड्स ड्यू टू द एसवेल्ट बाय द पेयर
ऑफ क्राउस द पोकिंग देयर ब्रिक्स ऑन हिज सॉफ्ट टीनी बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चार नंबर का उत्तर है। मैनी सीनियर द रिस्पेक्टेड पोलिटिकल लीडर्स ऑफ बर्मा वेयर इनक्रीज जो ना इनक्री क्रिएटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। तो ये आपका दो मार्क्स वाला क्वेश्चन का उत्तर था, और भी बताऊंगा, पहले इसका आंसर बताता हूँ कहाँ मिलेगा। इसका आंसर आप लोग गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करके मिट्टून स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको सिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड करके लिख लीजिए। तो प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिट्टून स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को चैनल का नाम गूगल में आकर के मिट्टून स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में ही आपके सामने मिट्टून स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। नीचे आएगा तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास टेंथ का सेशन मिलेगा, क्लास टेंथ अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 का मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जो है ना आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, आप ज्वाइन पे क्लिक करके इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नीचे चलेगा ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर आपको मिल जाएगा, फिलहाल हमें करना इंग्लिश का। इंग्लिश है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर आप लोग क्लिक कर देंगे। पेज वगैरह को रिफ्रेश कर दीजिएगा जब जब बनाए तब तब, क्योंकि जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे सब्जेक्टिव का आंसर की नहीं दिखेगा। फिर नीचे आओगे स्क्रॉल डाउन करके आप इस प्रकार से, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा ऑब्जेक्टिव का आंसर की। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दो नंबर वाला यहाँ पर मिलेगा, और पांच नंबर वाला प्रश्न का आंसर यहाँ मिलेगा। तो आइए पेज वगैरह को रिफ्रेश करके यहाँ से डाउनलोड कर ले। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। 11 का जो उत्तर होगा, ए वेरी वर्मा जनम वार्म वेलकम टू द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पेरेंट्स इन द जो ना आउटडोरिज्म। आई एम हेयर टू डिलीवर ए स्पीच ऑन ए स्कूल एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी जो ना नर्सरी फॉर एवरी चाइल्ड जो ना वेदर बॉय एंड बॉय और गर्ल। इट हेल्प्स ए पर्सन स्टडी न्यू थिंग्स विथ ए स्किल एंड लर्न अबाउट द फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। एजुकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट लोड इन द प्रोटेक्शन जो ना प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट्स। इट्स आल्सो हेल्प द प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। एजुकेशन इंक्रीज जो ना प्रोडक्टिविटी इन देयर वर्क। एन एजुकेशन वोमैन हैज ए स्किल्स इंफॉर्मेशन टैलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमारा जो है ए विलेज फेयर पे हम लोग दे रहे हैं आंसर, ठीक है। ये किस में दिया गया था एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कितने नंबर था? 14 नंबर का हम लोग दे रहे हैं, 3 नंबर का आंसर, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, 14 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें 3 नंबर में जो दिया था, ठीक है, यहाँ पर आप 14 लिख दीजिएगा, ठीक है, पॉइंट दे करके आंसर लिख दीजिएगा, और यहाँ पर तीसरा नंबर लिख के विलेज फेयर लिख लीजिएगा। फिर आपको लिखना है, ए विलेज फेयर इज एन एनुअल अफेयर इन विलेज लाइफ। इट इज जनरली हेल्ड जो ना हेल्ड इन ए स्पेशियस प्लेस सूटेबल आउटसाइड द विलेज ऑन द जो ना ऑसिकेशन ऑफ फेस्टिवल ऑफ एन इम्पोर्टेंट इवेंट। इट हैज ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर द लोकल विलेजर्स पीपुल फ्रॉम जो ना नियर बाय विलेज विजिट द फेयर फॉर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स इन ए विलेज फेयर विच सेल थिंग्स ऑफ डेली यूज ट्वाइस स्वीट्स जो ना कॉमेटिक्स एंड जो ना एग्रीकल्चर यूनिक पेमेंट देयर इज ए हग क्लाउड टू बाय दीज थिंग्स सम टाइम देयर आर मैजिक एंड द जो ना द एट्रे सो टू द विलेज फेयर इज वेरी यूजफुल हैज इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू विलेजर और टू बाय डिफरेंट थिंग्स एंड टू हैव सम जो ना एम्यूजमेंट। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा, 15 नंबर ही ना है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, देख लो क्वेश्चन है, चलो ठीक है। एस्पोर्ट के बारे में आपको एप्लीकेशन देना था, तो ठीक है लिख देना, आपको लिखना है दानापुर पब्लिक स्कूल, तो आपको दानापुर की जगह आपका जो भी स्कूल का नाम होगा
काट के लिख दीजिएगा। यहाँ पर डेट वगैरह काट के आप लिख दीजिएगा, जो भी डेट आप लिख रहे हो। फिर आपको यहाँ पर नोटिस सेम लिखना है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव ये आप सेम लिख सकते हो, और ये सारा का सारा लिख दोगे। द इको क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजेशन ए ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ओवर 500 न्यू ट्रीज व जो ना वर्ल्ड वुड वी प्लांटेड इन द स्कूल कैंप्स ऑन हीज डे। स्टूडेंट आर इन्वाइटेड जो ना इन्वाइटेड बाय टू जो ना वरिंग सीड्स एंड एस्पलिंग्स फॉर मेकिंग दिस ड्राइव ए हग सक्सेस। द ड्राइव ड्राइव विल बी जो ना इनगार्डेड वाई द प्रिंसिपल ऑन। यहाँ पे डेट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा सेम 9 PM है, तो आप डेट यहाँ पे 9 PM सेम लिख सकते हो या 10 PM। इन द स्कूल जो ना ग्राउंड फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडर जो ना अंडर डिस्ट्राइंड। इस प्रकार से आप यहाँ पर सेक्रेटरी लिख सकते हो। चलो तो आप सेम लिख लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।